लोग एक और वीडियो साथ वापस। अब देखा है हम लोगों ने जो एक और सीरीज स्टार्ट किया जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे फोन के पबजी के सेंसिटिविटी सेटिंग्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें से मैंने एक वीडियो जो आज पब्लिश कर भी दिया है जो कि रेडमी नोट 7 प्रो का, तो आप लोग जो है देख लेना। जिसके भी पास रेडमी नोट 7 प्रो है उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। अब देखा जिस तरह आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट करते रहना और इस वीडियो को जो है लाइक जरूर से कर देना, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वो भी के लिए आप लोग जो इस फोन का गेम प्ले इंजॉय करो, शाम तक मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी प्रोवाइड करवा दूंगा और बताऊंगा कि जो है बाय करना है कि नहीं करना। फिलहाल देखो हम लोग जो है आ चुके थे पोचिंग पे और ये एक सोलो का गेम प्ले और इसके अंदर जो है मैं पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम एवर मीटअप करने वाला हूँ। मतलब मैंने आज तक कभी जो है मैंने कभी मीटअप किया ही नहीं है। अब देखा ये बंदा जो है बार बार ऊपर आता और नीचे जाता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली करना क्या जाता है। तो फाइनली जो है मैं अब समझ चुका था क्योंकि उसने जो एक बार भी फायर नहीं किया तो ऑब्वियसली जो है वो मीटअप करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बंदे के साथ तो जो है मीटअप हो जाता है। तो अब क्या ही कर सकते भाई, जब बंदे ने गन ही नहीं पकड़ी तो क्या कर सकते हैं। अब देखो यार यहाँ पर जो है सामने रहता है ये बोट, शायद बंदा पता नहीं जो भी है शायद बोट ही था, तो इसको जो हम लोग धर देते हैं और उसके बाद जो हम लोग निकल जाते हैं। अब मैं सोच रहा था भाई इधर कोई गाड़ी नहीं है तो इसको भी जो है लेके निकल जाते हैं क्योंकि बाद में क्या पता ये बंदा मिले और शायद मारा जाए या फिर वो भी मेरे को मार सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो मैं इसको गाड़ी लेके साथ में ही ले लेता हूँ। अब देखो यार फर्स्ट टाइम एवर मीटअप हो रहा है क्योंकि मैंने जो है कभी मीटअप करने की सोची भी नहीं और मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि जब जब यार बंदे कूदते हैं ना फिर वो बाद में जो पीछे से मारते, तो मैंने जो मीटअप करना ही छोड़ दिया। फिलहाल हम लोग जो है निकल आते हैं और आ जाते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी मोड में। अब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक और कैंपर। अब ये ऐसा बंदा है कि भाई जब तक आप लोग उसके एकदम मिड टारगेट पे नहीं आ जाते तब लगते जो है आप लोगों पर फायर नहीं करता, तो ऐसे कुछ ये भी था, देख लेना आप लोगों का भी। यार ये वही जो है मात्र सोच बंदे होते हैं जो कि लास्ट तक फायर नहीं करते और तब जाके फायर करते हैं जब उसको पता चल जाए कि हमारा टारगेट जो है अब मिस नहीं होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ये मेरे को खा ही जाता क्योंकि वो जो है कवर में था, लेकिन फाइनली जो हम लोगों ने उसको धर दिया। अब उसके बाद जो हम लोग निकल आते हैं और यहाँ पर ये मेरे को बोर्ड मिल जाता है, तो क्या कर सकते हैं भाई, बोर्ड है तो मरना तो पड़ेगा ही। अब वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और यहाँ पर जो एक गंदा सीन होने वाला है हमारे मीटअप वाले बंदे के साथ, तो देखना यहाँ पर क्या होगा। यार मैं तो जो उसको किल देने की सोच रहा था लेकिन उसने जो है फायर किया लेकिन नहीं मार पाया, तो मैं जो उतर के धर देता हूँ क्योंकि क्या पता वो बंदा पैसे मेरे को धर दिया, तो इसलिए हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर देखना क्या सीन होने वाला है। जी यार पीछे की साइड में जो है कुछ फुटस्टेप आया था, तब मेरे को जब मैं गेम प्ले इसको देखा तब मेरे को सुनाई देता है। अब देखो मैं आता हूँ इधर पे और वहाँ पे एक नेट फूटता है और जैसे ही नेट फूटता है तो वो जो पीछे बंदा रहता है उसने जो है उसको धर दिया था नेट के थ्रू। अब मेरे को ये नहीं पता, मेरे को अभी तक ये लग रहा था कि शायद कोई इधर है, जब मैं स्कोप खोलता हूँ तब मेरे को पता चलता है कि पहाड़ी से कोई आता है और नेट से उसको धर देता है। तब दो बंदे थे तो उसने फायर भी तब नहीं किया और नेट से अपना काम तमाम कर दिया। मैं तो उस साइड से जो निकल आया था तो मैं तो जो नेट से बच गया, तो अब इस बंदे की बारी थी क्योंकि इसने जो बहुत ही गलत स्कैम किया था। फाइनली जो है इसको भी हम लोगों ने धर दिया और जो है यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर लिया,
तो यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भाई बहुत ही गंदी कन्फ्यूजन हो रही थी। देखा उसके बाद जो है हम लोग इधर आ जाते हैं, और यहाँ पर तो भाई क्या ही बताएं कितने बंदे मिल जाते हैं। अब देखो यार पीछे गाड़ी जा रही थी, तो पहले तो मैं जो उसको मारने की सोच रहा था, लेकिन इतने में ये फायर करता है। अब जो गाड़ी वाला आगे गया तो उस पर ऊपर भी चलता है। सक्सेस मेरा फुल एक्स पे था, और पीछे जो स्किन भी ओपन हो जाते तो क्या ही कर सकते हैं भाई। तो सक्सेस मेरा फुल एक्स पे था, तो कुछ सेटिंग्स करने वाले थे, तो सबसे पहले इसको कम करेंगे, और मेरा जो है सेंसर सेटिंग्स उसको भी तो 300 पे करने वाला, तो वो भी हम लोग जो कर दिया। अब देखो यार अब हम लोग जो है यहाँ से निकल जाते हैं, और उसके बाद जो है आगे बंदूक उतारेंगे। अब देखो यार गाड़ी लेके हम लोग निकल आते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही गाड़ी रोकी मेरे पे आता है फायर। अब जब तक मैं समझूं कि बंदा कहाँ पर है तब तक तो भाई बंदा डैमेज दे देता है। तो एक्चुअली वो बंदा रहता है वो सामने वाले घर पे रहता है, तो सबसे पहले तो जो है मेरे को हिल विल करना है, और उसके बाद जो हम लोग चलते हैं उस पर और बचाते हैं उसको जाके। अब यहाँ पर जैसे मैं गाड़ी डायरेक्ट उठा तो जो है वो फायर कर सका, तो सबसे पहले तो हम लोग स्मोक करते हैं। अब पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि मेरे आसपास भी कोई है, सो पहले तो मैं जो चेकआउट करता हूँ, और उसके बाद जो हम लोग स्मोक वो फैला कर निकलते हैं उस पर। जैसे बंदा आया बंदे को जो है ईजिली कर दिया, और वैसे बंदा अच्छा था काफ़ी, बट जो है फाइनली तो उसको जो है ख़त्म होना था। अब ये जो बंदा है ना भाई, ये वाला सीन भाई मतलब क्या ही गजब है। अब देखो यार वो बंदा मेरे पे फायर करता है, तो मैं आगे ब्रिज पे रोक देता हूँ, और यहाँ से मेरे को जो है अच्छा खासा एंगल मिल सकता है। अब जैसे ही मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन मेरे को फायर के वक्त जब वो नेट पहले ही डाल देता है वो मेरे को दिखाई नहीं, और जब मैंने गेम प्ले देखा तब मेरे को दिखता है, तो आप लोग देखना वहाँ कसम भाई जब मेरे को वो नेट ही नहीं दिखाता और जब मेरे पे फटा तब जाके पता चला। तो आई होप यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, और चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करते रहना भाई इस लाइक को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।